मेरा नाम आयशा। बच्चे कितने? जितने पैदा कर सको उतने अच्छे। कितने बच्चे चाहिए मैं डिसाइड करूंगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कानून लगती है तो मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, ये मेरे मौलिक अधिकार है। सरकार कोई मेरे बच्चे को खिलाने आ रही है? बच्चे जितना जो इंसान पैदा कर सकता है पैदा करे। लगता है मोहतरमा जिंदगी भर प्रेगनेंट ही रहना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे खिंजर मानसिकता वाले लोगों को दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको पहले तो गुस्सा आएगा, हंसी भी आ जाएगा, मतलब टोटल धमाली मान लीजिए। तो वीडियो में बने रही। राम मंदिर की रामलला की मूर्ति बनाने वाले मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे हैं। देखना ये है कि अंधभक्त किसे बॉयकॉट कर। जाहिल बिल्लुल्ली जी, अधूरा ज्ञान फैलने से अच्छा था कुछ रिसर्च ही कर लेती। राम मंदिर की तीन मुख्य मूर्तियां, तीन कारीगर, जो जिसमें दो कारीगर कर्नाटक से हैं, एक कारीगर राजस्थान से है, वो तीनों हिंदू हैं, मोहम्मद जमालुद्दीन और उनका छोटा लौंडा। जो मूर्तियां बना रहे हैं वो फाइबर की मूर्तियां होती है, बताया जाता है कि वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही बनाते हैं। वो तीनों मूर्तियां मंदिर परिसर में नहीं, शोभा बढ़ाने के लिए बाहर लगाई जाएंगी। तो इसलिए कहते लुल्ली जी ठीक है प्रोपेगेंडा फैलाना अपनी जगह ठीक है, तेरा काम है, लेकिन रिसर्च करके थोड़ा। तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों से बता दूं, नरेंद्र मोदी अमित शाह से बता दूं कि अगर तीनों राज्यों का शपथ ग्रहण होता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो उसे अनुराग की छाती से गुजर कर जाना होगा। अनुराग ओझा आपको शपथ नहीं लेने देंगे। निष्पक्ष चुनाव हुआ है, खा ले मोदी जी अपनी माँ की कसम की निष्पक्ष चुनाव हुआ है, खा ले अपने मरे हुए बाप और माँ की कसम की चुनाव निष्पक्ष हुआ है। खान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब तक छलावा करते रहेंगे आप, इसका जवाब दीजिए। दोबारा अगर चुनाव नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लो, आपको 24 में सिंहासन पर बैठने नहीं। जाहिल हो तो अनुराग लौंडे जैसा, उसे तीनों राज्य के मुख्यमंत्री ने तेरे सीने पर चढ़कर शपथ ग्रहण कर लिया है, और 2024 में भी लगता है उसे सीने पर नहीं चढ़ेंगे, 2024 में पिछवाड़े पे तुम लोगों के लात मार के शपथ ग्रहण करेंगे। आदरणीय मोदी जी, मोहब्बत की दुकान से जो आपने 300 करोड़ रुपए बरामद किए हैं उसमें से चाचा का 15 लाख वाला हिसाब कम से कम आप चुकता कर दीजिए। आपको नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मेरा हिसाब तो 22 जनवरी को चुकता हो जाएगा जब 2100 किलो का घंटा बजेगा अयोध्या। बात तो सही है, लेकिन मौलाना क्या करेगा इतने 15 लाख रुपए का, वैसे भी कम ही बचा है तेरा, तो हमारे ख्याल से तेरे को उस 15 लाख के बहाने दर्शन करा देना चाहिए। अयोध्या में जाके दर्शन कर, पाप भी कट सकते हैं और पूर्वज भी याद आ सकते हैं। केदारनाथ की बात की कि वो बौद्ध धर्म का मंदिर रहा है, तो बौद्ध धर्म में ज्योतिर्लिंग कहाँ से आया? बौद्ध धर्म में स्तूप की पूजा। अच्छा। की जैसे स्तूप की पूजा कहते थे, एक छोटा सा स्तूप बनता था, उसी का बदला हुआ रूप लिंग है। उनकी जो बनावट है वो शिवलिंग से काफी तरह नहीं, सम्राट अशोक की लाज उसको काट छांट करके स्तूप बनाया गया, या किसी स्तूप का रूप शिवलिंग, तो आपके हिसाब से स्तूप बौद्ध धर्म का कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का नहीं कटेगा। अरे बकलोल, नहीं कटेगा, तेरी चिंदी चोरी सबके सामने आ चुकी है। अधूरा ज्ञान फैलने से पहले पूरा व्यवस्था के साथ आना। अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, शेख अब्दुल्ला को जाता है। रिकॉर्ड पर है, कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया, एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का, तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। दिग्गी राजा, तूने गलत पंगा ले लिया था, तूने सोचा कि हम कुछ भी अधूरा ज्ञान फैलेंगे और मोटा भाई सुन लेगा, लेकिन तेरे को पता होना चाहिए, अब तो समझ जाना चाहिए, इतना टाइम हो गया कि बीजेपी वाले पूरी तैयारी के साथ आते हैं, इसमें तो नहीं छोड़ने वाले। तो तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि अगली बार मुंह खोलने से पहले अपना धोती का पल्लू चेक कर लेना। हमारी ये तो कोर्ट, न्यायालय सब कुछ मोदी जी है, और मोदी जी के ही नेतृत्व में राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बनाने से कोई राम नहीं बनता। अयोध्या में राम का मंदिर जनता बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो काम की जो दिशा और दशा है वो रावण लीला की तरह जाता है। संगत का असर है बाबू भैया, संगत का। जब से इन लोगों ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, पहले तो इनकी पार्टी, पहले तो सत्ता चली गई, फिर पार्टी चली गई, अब बुद्धि भी घास खाने चली गई है। इसी को बोलते हैं जाहिले बिन गिरगिट।
उद्घाटन होने जा रहा है और बहुत से लोगों को बुलाया जा रहा है। आप जा रहे हैं? नहीं, ये कहा गया है कि किसी जिस पर निमंत्रण नहीं है वो घुस नहीं सकता। अब ये बताइए, अब ये भी कंट्रोल करना है कि निमंत्रण भगवान राम किसको देंगे, ये कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए। जिसको हम और आप, अभी हमारे साथी ने सनातन धर्म की बात कही, याद करिए, और हम सब बचपन से जानते हो सीखे, जिसको भगवान बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। चाचा जान, पूर्व में सीएम रहे हो, सिक्योरिटी का तो पता ही होगा कि सिक्योरिटी क्या होता है जब ऐसी कोई सेंसिटिव चीज, इतनी बड़ी चीज होती है। वैसे मान लो ना भी पता हो, एक बात तो पक्की है कि भगवान राम जिसको बुलाएंगे वही जाएगा। वैसे हमें नहीं लगता कि काल्पनिक, भगवान राम को काल्पनिक कहने वालों को, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले को बुलाएगा। उन्हें कहा कि हम सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? वो एक एक बात दिखाइए जो बात सीखना चाहिए। क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट है कोई डिबेटिंग कंपटीशन में? रजत चाचा शायद भूल गए थे कि आज सामने कौन बैठा है, पर इनकी भी उम्र हो गई है, भूल जाते हैं। लेकिन वैसे राहुल बाबा से एक बात तो सीखनी पड़ेगी पूरे देश दुनिया को, सबको, कि पार्टी को कैसे बर्बाद किया जाता है राहुल बाबा से अच्छा कोई नहीं बता सकता। अगर सबूत देखना है, गवाह देखना है, तो अखिलेश यादव से पूछ लीजिए, शिवसेना से पूछ लीजिए, इन लोगों ने राहुल बाबा से सीखा है प्रॉपर। अब के हर इंसान ने ये सोच रखा है, मुसलमानों ने, कि हम कमल पे वोट देंगे। ताला खोखा हो गया था, थोड़े आदमी सुधर गए, नहीं तो उनके घर बिगड़ रहे थे। जब हाथी निकलता है तो उनके पीछे बहुत सारे भूखते हैं, तो क्या भूखने वालों को काट तो नहीं लेते ना? अच्छा। उससे कुछ नहीं होता। हाँ। वो तो सब भूख रहा है, भूखने दो, जीतेंगे मोदी जी। जो तलाक बैन हुआ सही हुआ? बहुत सही हुआ। अच्छा। अभी अपन तालक के लिए होते कैसे होती है, कजिया अपने खड़ी होती है, तीन लफ्जों में तालक हो जाती है। आप क्यों नहीं हो रही तालक? आप वो आदमी क्यों झुक गए? अल्लाह से क्या दुआ करो? अल्लाह से यही दुआ करेंगे जिन्होंने हमारे लिए सहूलियत करी, अल्लाह उन्हीं को जिताए। यही होता है ईवीएम हैकिंग। वैसे यहाँ जब हैक होता है तो भाई रिसोल्व हो ही नहीं पाता। पहले एक चारा था थोड़ा कि रिसोल्व कर सकते थे तलाक देकर, लेकिन वो भी सरकार ने डिसेबल कर रखा है, वो ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है। और छोटे से सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, पर चेक करने के लिए 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखे यहाँ पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं, 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा। मोदी जी से रिक्वेस्ट है भैया कि इस 60 साल के युवा को प्लीज रोजगार दे ही दो, क्योंकि ये यही हाल रहा तो अपने खानदान का भी पोल खोल देगा एक दिन। हम लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई इसके खानदान का पोल खुले, लोग खोलना है वो सही है, लेकिन अपने मुंह से कम ना खोले। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, इस क्लिप के बारे में कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने जो देखी, जो जो आपने क्लिप देखा, खिंजर मानसिकता वालों को भी देखा, कमेंट करके बताइए। आप अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके, और सपोर्ट के लिए आप सुपर स्टिकर भेज सकते हैं, या और भी माध्यम है जहां आप सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।